फर्टिलाइजर और केमिकल सेक्टर के स्टॉक 2023 में फर्टिलाइजर केमिकल्स सेक्टर के स्टॉक जिसके पास भी है दोस्तों, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपके पास है और जिस प्राइस में आप लिए हैं वो प्राइस में आप कमेंट कीजिए। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से एडवाइस करूंगा कि आपको कितने दिन बाद इस स्टॉक को बेचना है और फिर क्यों ख़रीदना है, इसलिए कि केमिकल्स और फर्टिलाइज़र वाले सेक्टर के स्टॉक जो है आपको पूरा जनवरी फरवरी मार्च ये तीन महीने में आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स जो हम बताने वाले हैं शायद आपके पोर्टफोलियो में भी हो सकता है, तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए। नेशनल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, दूसरा राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स एंड लिमिटेड, और तीसरा चंबल फर्टिलाइजर्स और टाटा केमिकल्स, बाशफ और दीपक नाइट्रेट, ये पांच स्टॉक केमिकल्स के, इसमें तीन पीएसयू स्टॉक हैं जो गवर्नमेंट के, और दूसरा दो स्टॉक मैं आपको बता दूं जो गुजरात राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, उसका नाम है GNFC गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, और दूसरा गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल। ये सात स्टॉक जो है अगर आपके पास है तो एक भी स्टॉक बेचना नहीं दोस्तों। चलिए तो 2023 में अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो बना लीजिए 2000 में पोर्टफोलियो 2023 का, और बन जाइए 2023 का सबसे धनी अमीर और व्यक्ति जी दोस्तों। तो चलिए नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को, हार्दिक शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें आप खुश रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।